गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एक नया पार्ट देखेंगे। इसमें यदि एक्टिव सेंटेंस देयर वर्ब प्लस नाउन, देयर वर्ब प्लस नाउन नाउन या सब्जेक्ट और उसके साथ इन्फिनिटिव और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, बता दें कि यह जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता देता हूँ कि इसके पहले मैं कई वीडियो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे डाल दिया हूँ, जैसे प्रेजेंट के सारे पैसिव वॉइस डाल दिया हूँ, पास्ट के भी और फ्यूचर के, इम्परेटिव का भी हो गया है। आप जो हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं। कोई भी पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आपको अगर नहीं आ रहा हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे हम जो है पैसिव वॉइस बना चुके हैं, उसमें आप जो है देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में केवल देयर, अगर देयर से स्टार्ट हो, उसमें सब्जेक्ट हो और मेन वर्ब हो, साथ साथ इन्फिनिटिव हो, तो उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। फ्रेंड्स, बता दें कि ये जो है एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, और आपको जो है ये वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखना, जिससे कि इसके इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप जो है बहुत आराम से उसका आंसर दे सकते हैं और पूरा का पूरा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे ये जो है सॉल्व होगा। एक बार फिर देखते हैं, यदि एक्टिव सेंटेंस देयर वर्ब प्लस नाउन या सब्जेक्ट और साथ साथ इन्फिनिटिव टू भी रहेगा, याद रखना फ्रेंड्स, टू रहेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के स्ट्रक्चर पर आधारित हो, तो उसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। देखेंगे यहां पे स्ट्रक्चर है देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन या सब्जेक्ट प्लस टू भी ऐड करना है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लास्ट में आपको इनपुट करना है। क्या लगाना, सबसे पहले देयर लिखोगे, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे किसी का जो देयर से स्टार्ट होने वाले प्रश्न है, जब उसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस सूत्र में, इस फार्मूले में आप रख देंगे तो आपके जो है पैसिव वॉइस इसके बन जाएंगे जो देयर से स्टार्ट होने वाले हैं, अगर उसमें मेन वर्ब है तो। तो देखो पहले क्या लिखना है, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू बी और प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो चलो हम कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जो है आपको क्या लिखना है ये देखना है, आपको सबसे पहले देयर का, देखो यहाँ पे देयर दिया है, देखो अभी मैं बता रहा हूँ ये एक ट्रिक के माध्यम से, सबसे पहले हम देयर अगर लिखे हैं, देखो ये क्वेश्चन है, देयर इज नो मनी टू बाय, देयर इज नो मनी टू बाय। तो अब देखो यहाँ पे देयर भी है, वर्ब भी हो गया, वर्ब भी है और उसके बाद मेन वर्ब भी है, यहाँ पे सब नाउन भी आ गया, यानी देयर है, वर्ब हो गया, नाउन भी है और वर्ब का वर्ब भी है, मेन वर्ब। तो इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे देयर के साथ अगर मेन वर्ब रहेगा तो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको देखो देयर का यूज करना है, किसका यूज करना है, देयर। तो यहाँ सबसे पहले हम लिख लेंगे देयर, देयर हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स बता दूं, वर्ब, वर्ब आपको क्या समझना, वर्ब से आपको यहाँ पे जो है इज दिया है, एम दिया है, आर दिया है, क्या दिया है, वाज दिया है, तो अकॉर्डिंग टू वर्ब उसको हमें यूज करना है। अगर यहाँ पे इज दिया है तो इज लगाओ, आर दिया तो आर, यानी जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस का आपको जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो देयर इज क्या लिखोगे, देयर इज, देखो देयर आया था, उसके बाद वर्ब हमको क्या लगाना, इज, देयर इज, यहाँ तक हो गया, देयर इज, उसके बाद नो है, नो को नो ही लिखोगे, देयर इज नो, उसके बाद नाउन लगाना फ्रेंड्स, देयर इज नो मनी, नो मनी, एकदम देखो सिंपल, मैंने क्या किया, देयर को देयर लिख दिया, वर्ब को वर्ब लिख दिया, बाकी नाउन तक देखो वैसा ही है, देयर वर्ब और उसके नाउन तक एकदम सेम टू सेम ऐसे लिखा है। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, जहाँ पे टू है टू के साथ बी लगा देना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना फ्रेंड्स।
देखो मैंने क्या लिखा, देयर को देयर ही लिख दिया, इज को इज लिख दिया, नो का नो ही, मनी का मनी हो गया, और टू का टू ही लिख दिया, लेकिन यहाँ पे बी भी लिखना हमको, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू बी। उसके बाद बाई का हमने बताया था यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाना है, बाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बॉट। बाई का थर्ड फॉर्म बॉट। फ्रेंड्स आपको बता दें ये जो है पैसिव वॉइस आपका क्लियर हो गया, आए समझ में। अब देखो अगर नेक्स्ट आप देखोगे अभी तुरंत आपको जो है एक ही बार में समझ में आ जाएगा कैसे करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग टू गेन, देयर इज नथिंग टू गेन। अब हम बता दें कि आपको अब समझ में आ गया होगा कैसे करना है आपको। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, देयर का देयर लिख देंगे, देखो यहाँ पे देयर दिया तो देयर को देयर लिख दो, देयर। उसके बाद इज है, इज को इज ही लिख दिया, नथिंग को मैंने नथिंग ही लिख दिया। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है, पूरा उतार दे गया, टू से हमको देखना है, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग देयर इज नथिंग, उसके बाद क्या लिखोगे, टू, देयर इज नथिंग टू बी। देखो मैंने देयर का देयर लिख दिया, इसका इज नथिंग टू बी। अब गेन का थर्ड फॉर्म, देयर इज नथिंग टू बी गेन, गेन का क्या हो जाएगा, गेंड हो जाएगा, जी ए आई एन ई डी, इसका थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ओके आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देयर इज टाइम टू स्टडी, देयर इज टाइम टू स्टडी। फ्रेंड्स अब हमने क्या बताया था, अब आपको सेकेंडों नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में, आप क्या करेंगे, सबसे पहले यही लिखेंगे देयर, आप लिख दिए देयर, उसके बाद इज का इज ही लगा दिए, टाइम का टाइम ही हो गया, टाइम का टाइम लिख दिए, उसके बाद टू को हमने टू लिख दिया, उसके बाद टू के बाद क्या लगाना हमको, बी लगाना है। यहाँ तक तो सेम ऐसे लिखते चला जाना, टू के बाद बी लगा देना है, उसके बाद जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लगा देना। फ्रेंड्स तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, जैसे स्टडी है तो स्टडी का थर्ड फॉर्म आप क्या लगाएंगे, स्टडी। यहाँ पे जैसे मैंने इसका जो थर्ड फॉर्म लगा, वाई को हटाकर आई ई डी लगा देना है, एस टी यू डी आई ई डी, स्टडी। ओके फ्रेंड्स मुझे आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करें देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग टू से। अब क्या लिखोगे, पहले क्या लिखना आपको, देयर, पहले देयर लिखेंगे, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग पूरा ऐसे लिखते चले जाना, उसके बाद टू है, टू लिख देना, टू के बाद क्या लगाना, बी आपको यूज करना है, बी, और जो वर्ब है मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लगा देना है। तो से का थर्ड फॉर्म क्या लगाओगे, सेड। ओके फ्रेंड्स अब आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, देयर वॉज टाइम टू लेबर, देयर वॉज टाइम टू लेबर एकदम इजी है। क्या मैंने बोला था कि सबसे पहले क्या लिखाना है, देयर लिखना है, क्या लिखना है, देयर, देयर। अब देखो यहाँ पे वाज है, अगर वाज है तो आप क्या लगाओगे, यहाँ पे वाज लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे इज था इज लिखा, यहाँ पे वाज है तो वाज लगाओगे, देयर वाज, उसके बाद देयर वाज टाइम, देयर वाज टाइम, उसके बाद टू बी, देयर वाज टाइम टू बी, उसके बाद क्या लिखोगे, लेबर का थर्ड फॉर्म लेबर, L A B O U R E D लेवर्ड, यानी कि यह जो है आपको इस तरह जो है आपको जो है अगर देयर से स्टार्ट कोई भी क्वेश्चन हो उसका अगर पैसिव वॉइस बनाना हो तो आप जो इस तरह से बहुत आसानी से आपको आप जो इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स एक बार फिर से हम देख लेते हैं, जैसे यदि एक्टिव सेंटेंस देखो, यदि एक्टिव सेंटेंस देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन या सब्जेक्ट उसके साथ इन्फिनिटिव हो और वर्ब का
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो यानी कि वर्ब भी हो तो उसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस स्ट्रक्चर पे हम फॉलो करके बना लेंगे। तो ये सारे चीज आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो आप जो है इस प्रकार के बहुत सारे एक्सरसाइज करें जिससे आपको पूरा एकदम कंठस्थ हो जाए, कभी भी आपको भूलेगा नहीं फ्रेंड्स, एग्जाम में देखते ही आप जो है इसका आंसर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, जिससे कि और अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लाऊं। आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, जिससे आप भी सीखो और दूसरों को भी सीखने का मौका दो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।